हेलो दोस्तों, बॉस ऑफ इंडियन शेयर बाजार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक पर्टिकुलर शेयर से रिलेटेड जिसने बोनस अनाउंस करना के लिए कह दिया है। देखिए, बोनस की डेट मैं आपको बता दूंगा। ओके, कि अनाउंस हो, बस उन्होंने अभी न्यूज़ दिया है, उनकी बोर्ड मीटिंग होने वाली है। ओके, रिकमेंड करेंगे या नहीं करेंगे वो पता नहीं, बट एक बड़ी कंपनी जिसको जिसका शेयर ऑलरेडी बूट भाग चुका है, ओके, वो और जिनका नाम अच्छा खासा है मार्केट में, तो ऐसी कंपनी आपको रिटर्न देती हुई, ऐसी कंपनी अपने जो अगर बोलती है कि मैं बोनस दूंगी तो बोनस देती हुई ही नज़र आती है, तो उसमें वो पीछे नहीं हटती। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, उसने बोनस अनाउंस कर दिया और आज के डेट में 5% से ज़्यादा वो शेयर उछलता हुआ नज़र आया है। तो उसी से रिलेटेड बात करते हुए हम नज़र आएंगे, तो आइए वीडियो की तरफ चलते हैं। बट बिफोर दैट, वीडियो में आगे बढ़े आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, आप हमारे चैनल बॉस ऑफ इंडियन शेयर बाजार को सब्सक्राइब करें, शेयर करें फैमिली फ्रेंड्स के साथ, एज वेल एज अगर बात करें तो अभी की डेट में एक वीडियो डाली है केमिकल, टाटा केमिकल से रिलेटेड। टाटा केमिकल का स्टॉक क्यों कर रहा है, रियल वजह क्या है, क्या रिजल्ट इसकी वजह है, ओके, या फिर क्या कहते हैं रिटेल इन्वेस्टर फंस गए हैं, क्या करना चाहिए, या एक बिग अपॉर्चुनिटी है, तो इससे रिलेटेड आपके सारे सवालों का जवाब इस पर मिल जाएंगे। तो आपको पता चल जाएगी एग्जैक्टली आपको करना क्या है। और यहाँ पर ब्रेकिंग न्यूज और स्टॉक मार्केट से रिलेटेड बहुत सारे शेयर से रिलेटेड बातें करी गई है, तो इस वीडियो को भी जाके आप देख लीजिएगा। तो आइए वीडियो की तरफ चलते हैं। तो जिस शेयर से रिलेटेड बातें कर रहे हैं, सबसे पहले कुछ पैरामीटर देख लेते हैं। देखिए, वन डे, आज के दिन की बात कर रहा था, 5% से ज्यादा यहाँ पर अपसाइड है। वन वीक की बात करें 12, एक महीने की बात करें 29, तीन महीने की बात करें 50 लगभग 44%, के 6 महीने की बात करें 60%, के 1 साल की बात करें 51%, के 2 साल की बात करें 117%, के और बात करें अगर 10 साल की तो 10 साल में 6786% के मल्टी बैगर रिटर्न इस कंपनी ने आपको दिए है, जो कि मैं आपको और भी ज्यादा शो करके दिखाऊंगा। अगर हम यहाँ पर देख लेते हैं कंपनी का चार्ट पैटर्न, आज के दिन 5.5% भागी है। 5 डेज का चार्ट पैटर्न देखिए, भागते जा रही है कंपनी, रुकने का नाम नहीं ले रही। एक महीने की बात करें तो यहाँ पर देखिए आपके सामने है सब कुछ, ओके, कितने 27% के रिटर्न एक महीने के अंदर अंदर। 6 मंथ की बात करें तो शेयर ये कितने पे, 1000 रुपये के आसपास ये शेयर चल रहा था और काफ़ी लोग इसे बेचने की रिकमेंडेशन दे रहे थे। किस वजह से, क्योंकि प्रमोटर्स ने अपनी हिस्सेदारी थोड़ी सी कम कर दी है, तो इस वजह से। अगर अच्छी कंपनी हो जिसका चार्ट पैटर्न अच्छा हो, जो आपको अच्छे मल्टीबैगर रिटर्न देती आई है, उस कंपनी पे अगर आप भरोसा करके चलोगे तो ऑब्वियस सी बात है आपको मल्टीबैगर रिटर्न मिलते हुए नजर आएंगे। कंपनी ने पूरे साल कुछ भी नहीं दिया, बट एक साथ ही इस कंपनी ने अगर बात करें ये 3 महीने के अंदर अंदर 50% के रिटर्न दे दिए। तो ऐसी कंपनी देखिए, किसी को शायद इनसाइडर न्यूज़ पता थी, तो किसी ने 1 महीने पहले से खरीदारी करनी शुरू करी और अच्छे खासे रिटर्न आज की डेट में लेके बैठा है और न्यूज़ आ गई है किसकी, बोनस। तो कंपनी का अगर हम बात करें यहाँ पर, तो 52 वीक लो की बात करें 850 का शेयर था, लगभग 1 साल में दुगना हो चुका है, 1750 के आसपास ये शेयर चल रहा है, ऑल टाइम हाई पे चल रहा है, 52 वीक हाई आज ही लगाया है। बात करें तो देखिए लगभग 16%, 2,62,000 शेयर यहाँ पर आज की डेट में खरीदते हुए नजर आए हैं। अगर हम यहाँ पर बात करें शेयर होल्डिंग पैटर्न की, अच्छा खासा पैटर्न है। देखिए यहाँ पर हिस्सेदारी थोड़ी सी कम करी थी 1% की, लोगों ने कहना शुरू कर दिया था कि इन्होंने कम करी है तो कॉशियस हो जाओ या ये हो जाओ या वो हो जाओ। देखिए अच्छी कंपनी हो तो अगर प्रमोटर बेचते हैं, ऑब्वियस सी बात है अच्छे अच्छे लोग अपने शेयर्स बेच देते हैं। क्यों बेच देते हैं, शायद कुछ मजबूरी हो सकती है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो कंपनी छोड़ के जा रहे हैं। FIIs ने उठा लिया, DIIs ने उठा लिया, और क्या चाहिए। यहाँ पर डिविडेंड कंपनी अनाउंस करती हुई नजर आ रही है। और यहाँ पर देखिए 11 मई बोर्ड मीटिंग, 11 मई आज कितनी तारीख है, 5-6 दिन बाद, मतलब ट्यूजडे को यहाँ पर रिजल्ट, डिविडेंड, बोनस, तीनों चीज से रिलेटेड न्यूज आएगी। ओके, आपको बोनस मिला है या नहीं आपको पता चल जाएगी। ओके, तो और आपके सामने सब कुछ हम लाके पेश कर देंगे। यहाँ पर कंपनी का नाम वगैरह सब कुछ मैं अभी बताने वाला हूँ, तो यहाँ पर देख लीजिए, डिविडेंड एंड बोनस टू कंसीडर एंड अप्रूव द फाइनेंशियल रिजल्ट, ओके, फॉर द पीरियड ऑफ, मतलब रिजल्ट भी आएंगे, डिविडेंड भी मिल सकता है और बोनस भी। तो कंपनी आपको सब कुछ देती हुई नजर आएगी, मुझे तो इस कंपनी पर विश्वास है। कंपनी का नाम क्या है, कंपनी का नाम आपके सामने है, देख लीजिए, आरती इंडस्ट्री लिमिटेड, आरती इंडस्ट्री लिमिटेड, ओके, काफ़ी बेहतरीन कंपनी है। करती क्या है, ओके, यहाँ पर आप इनकी वेबसाइट पे चले जाइए तो आपको एक पूरा का पूरा आइडिया आ जाएगा। स्पेशलिटी केमिकल्स में शायद ये कंपनी काम करती हुई आपको नजर आएगी। ओके, यहाँ पर आप देख सकते हैं रेस्पॉन्सिबिलिटी वर्क फोर्स, रेस्पॉन्सिबल केमिस्ट्री, ओके, तो ये केमिकल से रिलेटेड कंपनी है, काफ़ी बेहतरीन कंपनी है। यहाँ देखिए, वी ग्लोबली रैंक अमॉन्ग द टॉप 4 इन 75% ऑफ आर पोर्टफोलियो, टॉप 4 में ये कंपनी आती है। ओके, ऐसी कंपनी पर आपको भरोसा करना चाहिए।
चाहिए। इंडियन कस्टमर्स देख लीजिए, ओके 700 प्लस कस्टमर है। अगर बात करें यहाँ पर प्रोडक्ट्स की, 200 प्लस प्रोडक्ट्स है। ग्लोबल कस्टमर्स की बात करें 400 प्लस कस्टमर है। मैन्युफैक्चरिंग प्लांट 17 प्लस मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स है, 5200 प्लस इनके एम्प्लॉयज है। ओके सारी मतलब अच्छे खासे आपको ये सब कुछ कंपनी कर मिल जाएगी। देखिए क्या क्या काम करती है, इन द आइकनिक रेड कलर ऑफ सुपर कास्ट, इन द पेंट्स दैट कलर योर होम, ओके पेंट सेक्टर में है। मेडिसिन में कंपनी काम करती हुई नजर आती है। शैम्पू वगैरह जो आप लगाते हैं उसमें कंपनी काम करती हुई नजर आती है। फार्मर्स मतलब टूल किट में कंपनी काम, और एरोप्लेन्स दैट हैव्स अस टच द स्काई, ओके मतलब मतलब प्रोडक्ट्स भी इनके डाइवर्सिफाइड है। तो बिजनेस को आपने हमने जान लिया, कंपनी करती क्या है हमने बोनस से न्यूज सेलिटी जान लिया। अब बात कर लेते हैं इसके यहाँ पर फाइनेंशियल्स। तो फाइनेंशियल्स हमारा देखिए स्टेप है, मार्केट कैपिटल लार्ज कैप कंपनी नजर आती है, 28,497 करोड़ की कंपनी है। डेट है कंपनी के पास, प्लेजिंग कोई नहीं है। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो 51% की परसेंट के रिटर्न दे रहा है पिछले 10 साल में, काफ़ी बेहतरीन है। ओके और कंपनी के बारे में और भी कुछ पढ़ना है तो यहाँ देख लीजिएगा, 83% ऑफ रेवेन्यू कहाँ से आता है, स्पेशलिटी केमिकल्स। तो यहाँ पर आप पढ़ लीजिएगा इस कंपनी के बारे में और कुछ भी बहुत सारी चीज़ें पता चल जाएगी। कंपनी के रिजल्ट्स की बात कर लेते हैं तो कंपनी के रिजल्ट्स आप देख सकते हैं, कंसिस्टेंसी मतलब यहाँ पर गिरावट हुई ओके जून में, फिर उसके बाद दोबारा कंसिस्टेंसी पकड़ ली 1187 करोड़, और अभी रिजल्ट आएंगे तो बढ़ते हुए शायद नजर आए। और यहाँ पर अगर हम देख लेते हैं अगर यहाँ पर नेट प्रॉफिट देख लीजिए, सबसे ज़्यादा प्रॉफिट है इस बार का 165 करोड़ रुपीज़, जो कि पिछले 2.5 साल में सबसे ज़्यादा है। इसके अलावा ईयरली हम परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो देखिए जहाँ पर कंसिस्टेंसी आपको नजर आए, जहाँ पर कंपनी अपने रेवेन्यू अपने प्रॉफिट बढ़ाती हुई नजर आए, ऐसी कंपनी में हमेशा इन्वेस्ट करना चाहिए। यहाँ पर देख लीजिए सेल्स 34 करोड़ रुपए की कंपनी थी, आज की डेट में 4377 करोड़ रुपए की सेल्स है। बात करें यहाँ पर प्रॉफिट 87 करोड़ का प्रॉफिट 10 साल के अंदर अंदर 498 करोड़ रुपीज़ के प्रॉफिट में तब्दील हो चुका है पिछले 12 महीने का है, और ये अभी तब्दील होता हुआ नजर आएगा। तो इसे अभी कंसिडर नहीं करते, अभी जब रिजल्ट आ जाएंगे एक बार दोबारा कम शेयर से रिलेटिव बात करेंगे तब इससे रिलेटिव बातें करेंगे। रिजर्व की बात करें तो अच्छे खासे रिजर्व बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। बोराइंग की बात करें, बोराइंग कंपनी के पास है ऑलरेडी बता चुका हूँ 2174 करोड़ रुपीज़ का यहाँ पर बोराइंग है, बट कोई इशू नहीं है, कंपनी बड़ी है ओके। अदरवाइज अगर हम बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की, 39 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है। कैश की बात करें 265 करोड़ रुपये का कंपनी के पास कैश है ओके। रिजर्व्स कंपनी के पास अच्छे खासे है। और अगर हम बात कर लेते हैं यहाँ पर और भी कुछ पैरामीटर की, प्रमोटर्स की होल्डिंग, प्रमोटर्स ने यहाँ पर अपनी हिस्सेदारी थोड़ी सी यहाँ पर कम करती हुई हमें नजर आई है। यहाँ पर देखिए जून में उन्होंने सितंबर में बढ़ाई, सितंबर के दिसंबर में थोड़ी सी घटाई ओके, फिर उसके बाद मार्च वाले क्वार्टर में यहाँ पर थोड़ी सी हिस्सेदारी घटाई थी और लोग यहाँ पर बेचना शुरू कर दिया था। फिर उसके बाद जो इन्होंने रैली बनाई है वो आप देख सकते हैं शेयर में। फिर FIIs की बात करें, FIIs 8.66% की हिस्सेदारी रखते हैं। DIIs की बात करें, अपनी हिस्सेदारी बढ़ा दी है। पब्लिक की बात करें तो पब्लिक के पास यहाँ पर आप देख सकते हैं 28% की शेयर होल्डिंग पैटर्न यहाँ पर नजर आता है पब्लिक के पास। तो कंपनी इज वेरी गुड, कंपनी के पर आप भरोसा कर सकते हैं। बट कंपनी अभी की बात करूं तो कंपनी ऑल टाइम हाई पे चल रही है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑल टाइम हाई पे चल रही है कंपनी। तो अभी देखिए न्यूज़ है तो न्यूज़ ऑब्वियसली बात है, न्यूज़ आती है तो शेयर भागता हुआ नजर आता है, आज भी भागता हुआ नजर आया है, तो कब तक भागेगा पता नहीं। बट ऐसे भागते हुए शेयर को पकड़ने पर मैं कभी विश्वास नहीं करता, और मैंने हमेशा बताया कि ऐसे भागते हुए शेयर को आपको नहीं पकड़ना चाहिए। अभी कूल डाउन हो जाने दो, एक बार रिजल्ट आने दो, सब चीज़ आने दो सामने, क्योंकि काफ़ी फार्मास्यूटिकल्स एज वेल एज केमिकल्स कंपनी के रिजल्ट इतने बेहतरीन नहीं आ रहे, काफ़ी होके अच्छे भी आ रहे हैं, तो किस तरीके के रिजल्ट पेश करती है उसके बाद कंपनी में भरोसा करके आप ले सकते हैं ओके। तब तक ये शेयर शायद अगर रिजल्ट अच्छे नहीं आए तो और नीचे गिरता हुआ नजर आए, और आपको आपको कम प्राइस पर मिलता हुआ नजर आए तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से आप उस टाइम बैट लगा सकते हैं। बाकी 40% के रिटर्न यहाँ पर कंपनी ने अगर बात करें, एक बार रैली जो यहाँ पर बनाई थी इसमें इस दौरान 15 मार्च के बाद, तो अभी तक भागती हुई नजर आ रही है, उसके बाद तो नेगेटिव यहाँ पर चार्ट पैटर्न ही नहीं देखा इसका। तो आप इस कंपनी की तरफ ध्यान दीजिए, काफी बेहतरीन कंपनी है, आपको डरने की जरूरत नहीं है। बाकी अपने फाइनेंशियल एडवाइजर और खुद की स्टडी करके ही कोई भी बाई सेलिंग की पोजिशन लीजिएगा ओके। मेरी स्टडी थी जो मैं आपको बताना चाहता था, आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। बाकी बोनस 11 तारीख को ओके, यहाँ पर जब बोर्ड मीटिंग होगी तब अनाउंस होता हुआ हमें नजर आएगा, तब हम देखेंगे बोनस मिला है कि नहीं, डिविडेंड मिला है कि नहीं, और रिजल्ट कैसे आया। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर करिएगा, और हमारे चैनल बॉस ऑफ इंडियन शेयर बाजार को सब्सक्राइब करें, शेयर करें फैमिली फ्रेंड्स के साथ, ताकि इस तरीके की वीडियो आपको डेली बेसिस पर मिलती रहे। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।